नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो में जिसका नाम है लाइफ आफ्टर रिकवरी। दोस्तों, हमारा ये शो बहुत खास सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसमें हम दो तरह के लोगों को बुलवाते हैं। एक उन्हें जो किसी बहुत बड़े हादसे के बाहर एक विनर के तौर पर निकले होते हैं अपने जज्बे की वजह से, या फिर उन्हें जो एक मसीहे की तरह मदद करते हैं उन तमाम लोगों को जो किसी न किसी दुख में तकलीफ में फंसे हुए हैं। हम बात करते हैं डॉक्टर्स की। आज भी हम आपको एक ऐसे ही व्यक्तित्व से मिलवाएंगे जो कि आपकी पर्सनालिटी के ग्रूमिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अक्सर क्या होता है कि हम अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं, अपने चेहरे में कुछ अलग तरीके से कारीगरी करवा लेते हैं ताकि हमारे नाक खूबसूरत दिखे, चेहरा खूबसूरत दिखे। लेकिन कई बार यही सर्जरीज हमारे लिए घातक सिद्ध हो जाती हैं। हम किसी बहुत महंगे डॉक्टर के पास जाते हैं और अपने बाल लगवा लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद अचानक वो सारे बाल गिर जाते हैं। बताया कि 4000 ग्राफ्ट लगाए हैं और अभी रिजल्ट उसके बाद देखा, 3-4 महीने के बाद तो 400 भी नहीं लग रहे थे, अभी तो कुछ दिखता ही नहीं। आपकी पर्सनालिटी बहुत खराब जाती है। खराब पर्सनालिटी जो है वो आपको अब दर्द देना शुरू कर देती है क्योंकि आपको लगता है कि अब आप चेहरा किसी को नहीं दिखा पाएंगे। हमेशा अपने सर को ढकने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और डिप्रेशन में जाने लगते हैं। यही देखता रहा कि मेरे बाल 3 महीने बाद में वापस से ग्रो करेंगे, पर वो मैं तो बस वेट ही करता रहा, बालों ने ग्रो नहीं किया और एट लास्ट वो एक तरह से एक फेलियर था और बालों को लेकर के क्या है कि एक डिज़ास्टर था और मैं साइकोलॉजिकली एक तरह से एक डिप्रेशन टाइप में से फीलिंग आने लगी मेरे को कि ये क्या हुआ भाई, मैंने तो बहुत अच्छी सी कंपनी से मैंने कराया अभी ये बाल जो है ये नहीं आ रहे हैं। ऐसी स्थिति क्यों होती है, कहाँ गलती कहाँ चूक हो जाती है आपसे? डॉक्टर तो आपने बहुत महंगा चुना था, शायद उनके बारे में बहुत सुन भी रखा होगा आपने, लेकिन कहीं तो कोई गलती हुई ना कि आपकी बॉडी ने उस हेयर को एक्सेप्ट ही नहीं किया। अगर ऐसा कुछ हादसा आपके साथ हो चुका है तो ये कार्यक्रम आपके जीवन को एक नई दिशा देने के लिए कारगर सिद्ध होगा क्योंकि हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे ही एक्सपर्ट से जो इस तरह की जितनी भी गलत सर्जरीज हो चुकी हैं उनको संवारने का काम कर चुके हैं, रिविजन हेयर ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। आज हमारे साथ हैं जाने माने डॉक्टर सुनीत सोनी जी, जो कि प्लास्टिक सर्जन हैं, फाउंडर हैं मेडिस्पा हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर के। डॉक्टर, वेलकम टू आवर शो। नमस्कार डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जो हेयर ट्रांसप्लांट है ये फेलियर क्यों होता है? हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जरी है जो कॉस्मेटिक सर्जरी की कैटेगरी में आती है। कई बार अनएक्सपर्ट कॉस्मेटिक सर्जन या नॉन सर्जन डॉक्टर्स द्वारा किया हुआ ट्रांसप्लांट या फिर एक्सपीरियंस कम है ऐसे डॉक्टर्स द्वारा किया हुआ ट्रांसप्लांट ही गलत रिजल्ट्स या कम रिजल्ट्स या जीरो रिजल्ट्स का कारण होता है। लेकिन जितने डॉक्टर्स अपने बारे में बताते हैं आजकल, तो हमें लगता है कि उनके पास तो एक्सपीरियंस होगा। अब हम समझें कैसे, जांचें कैसे कि हम जिनके पास जा रहे हैं वो एक एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं या नहीं है? सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन चेक करना जरूरी है डॉक्टर का। जनरली अगर आप देखें क्वालिफिकेशन कोई MD है, MD मेडिसिन या MD डर्मेटोलॉजिस्ट, तो वो सर्जन नहीं है, वो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं जनरली। ऑब्वियसली सर्जिकल एक्सपीरियंस उनका कम होगा कंपेयर टू प्लास्टिक सर्जन जो MCH किए हुए होते हैं। तो MCH प्लास्टिक सर्जन जो होते हैं उनकी सर्जिकल एक्सपीरियंस ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू एनी जनरल सर्जन। जनरल सर्जन प्लास्टिक सर्जन की कैटेगरी कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए बहुत ज़्यादा हायर अप है। क्वालिफिकेशन अगर किसी की प्रॉपर है तो यानी उसकी ट्रेनिंग है सर्जरी के लिए, कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए, तभी ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कोई काम कॉस्मेटिक सर्जरी का अच्छा कर पाएंगे। देन उनको कितने साल से ये करते हुए हो गया ये पता कराने का तरीका सबसे अच्छा यही है कि जब से वो पास आउट हुए हैं तब से वो कहाँ कहाँ रहे, उन्होंने कौन कौन सी सर्जरीज की। प्लस अगर वो हेयर ट्रांसप्लांट में ही एक्सपर्ट हैं तो आप उनसे पुराने ट्रांसप्लांट किए हुए पेशेंट्स का नंबर ले सकते हैं, उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा पुराने किए हुए पेशेंट्स के इनके रिजल्ट्स कैसे हैं, जिससे ऑब्वियसली एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का पता चलता है। किसी पेशेंट के लिए जानना अगर जरूरी है कि किस तरह से वो ऐसे डॉक्टर के पास पहुंचे जो बेस्ट काम करे, तो क्वालिफिकेशन चेक करें, उनका एक्सपीरियंस और पुराने पेशेंट्स का एक्सपीरियंस उनका जाने। प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर सुनील सोनी का विशेष ध्यान पेन मैनेजमेंट पर होता है। इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि पूरे प्रोसीजर के दौरान और बाद में क्लाइंट को किसी भी तरह का कोई दर्द का एहसास ना हो। इतना इजी और इतना ढंग से ये काम हो सकता है बिना किसी पेन के, बिना कोई तकलीफ के।
मुझे जरा सा 1% भी पेन नहीं हो सका। 7-8 घंटे का ऑपरेशन था, उस बीच में कभी ऐसा कुछ नहीं लगा कि दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है या कुछ ऐसा कुछ महसूस जरूर होता कि हाँ कुछ हो रहा है, लेकिन पेन बिल्कुल भी नहीं हुआ कि भाई कुछ बार बार कोई सुई चुभ रही है या कोई किसी चीज़ का दर्द हो रहा है, ऐसा कोई फील नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, आपके पास जब कोई पेशेंट आता है और स्पेशली वो पेशेंट आता है जिसकी सर्जरी फेल हो चुकी है, आप जज कैसे करते हैं कि इसकी सर्जरी फेल हो चुकी है और उसको फिर से आपको हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी? एक्चुअली मुझे जज करने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो पेशेंट आया ही इसलिए होता है कि वो खुश नहीं होता है पहली बार के ट्रांसप्लांट से। अगर कोई भी पेशेंट उसकी सर्जरी से खुश नहीं है तो पेशेंट के नज़रिए में वो फेलियर है, और अगर उसको सुधारा जा सकता है तो ऑब्वियसली वो रिविजन ट्रांसप्लांट कहलाएगा। तो कोई पेशेंट कभी आए यह बोल के कि मैंने ट्रांसप्लांट कराया था और मैं खुश नहीं हूँ, तो मुझे कारण ढूंढने पड़ते हैं क्यों खुश नहीं है। क्या ग्रोथ रेट कम है, मतलब उन्होंने जितने ट्रांसप्लांट कराए थे बाल उसमें से कुछ उगे कुछ नहीं उगे, या फिर ट्रांसप्लांट करने के कारण जो बाल लगाए गए उनकी डायरेक्शन पोजिशन एंगल डायरेक्शन ख़राब है जिससे उसका लुक बिगड़ा हुआ है, गलत जगह में लगे हुए हैं। तो यही जानना ज़रूरी होता है कि उसकी जो एक्सपेक्टेशन थी पेशेंट की वो फुलफिल क्या क्या नहीं हुई, क्या अपन उसको पूरा कर सकते हैं। एक अच्छा सफल हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए निकाले हुए बालों को बचाना बहुत जरूरी होता है। ज्यादातर रॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट का मुख्य कारण ग्राफ्ट का नष्ट हो जाना होता है। मेडिस्पा हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर का यह कटिंग रूम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करवाया गया है। यहाँ पर लगे वीडियो असिस्टेड माइक्रोस्कोप्स और अनुभवी टेक्नीशियंस द्वारा पूरी तरह से ग्राफ्ट डैमेज कंट्रोल किया जाता है। So with the help of this video assisted microscopes, with the German technique, the best microscopic magnification, the best experienced team, the damage is reduced to maybe less than 1%. Sir, wrong hair transplant के कितने patient आपके पास आ जाते होंगे अमूमन? Actually, wrong hair transplant के patient इसीलिए ज़्यादा आना चालू हो गए हैं क्योंकि hair transplant centers ही बहुत सारे खुले हुए हैं। और ज़्यादातर centers में अगर आप देखेंगे qualification proper नहीं है doctor की, experience proper नहीं है। तो अमूमन अगर मैं 10 पेशेंट रोज देखता हूँ तो उसमें से 2 या 3 तो रॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट के मिलते हैं। उनका ज़्यादातर रीज़न ये होता है या तो ग्रोथ कम रहती है या ग्रोथ हुई है तो अननेचुरल दिख रही है। ग्रोथ कम होने का मेन रीज़न तो ये है कि ज़्यादातर पेशेंट्स FUE कराते हैं जी। अगर हायर ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस है जिसमें हेयर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, FUE में वैसे ही कम बाल निकलते हैं और डैमेज ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये ब्लाइंड प्रोसीजर है। जब भी FUE हम लोग करते हैं तो हेयर की डायरेक्शन दिखती नहीं है अंदर, बाहर से अंदाज़ा लगाना पड़ता है, इसलिए ज़्यादातर 20-30% कई बार 50% भी डैमेज हो जाते हैं। तो एक तो पीछे से भी बाल लॉस हो गए और आगे भी ग्रोथ नहीं है। कई पेशेंट ऐसे मैंने देखे हैं जिनकी ग्रोथ ओनली 10% या 20% ही है, तो टोटल स्कैल्प खाली पड़ा है, ट्रांसप्लांट भी हो गया, थोड़े थोड़े से बाल दिख रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये बहुत मेन रीज़न है कि डैमेज क्यों ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि रॉन्ग टेक्निक यूज़ की जा रही है, एक्सपीरियंस कम है। तो डैमेज हो गया एक बार उसको सुधारने के लिए फिर हमें और उसको ज़्यादा प्रिसीजन से करना पड़ता है। स्ट्रिप टेक्निक ही मैं करता हूँ जिससे डैमेज और कम हो, ज़्यादा बाल निकाले जा सकें और ज़्यादा एरिया कवर किया जा सकते और उसको ठीक कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको स्ट्रिप टेक्निक करके रिविजन करके उनको ठीक किया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट कारण जो मैं बता रहा हूँ, डिज़ाइनिंग, हेयर की डिज़ाइनिंग। अगर आपने बाल लगवाए हैं, आ तो गए बाल लेकिन सब खड़े हुए आ गए, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आप पब्लिक में देखते होंगे जिन्होंने ट्रांसप्लांट कराया लेकिन आप दूर से पहचान सकते हो कि यार इसने ट्रांसप्लांट कराया हुआ अजीब सा दिख रहा है। तो उसका रीज़न ये है कि हर बाल का स्कैल्प से एक स्पेसिफिक एंगल होता है जो एरिया वाइज, हेयर में एरिया वाइज चेंज होता है, उसका डायरेक्शन होता है। अगर आर्टिस्टिक स्किल्स अगर किसी सर्जन की कम है या परफेक्ट नहीं है तो वो बाल तो उगा देगा, सर्जिकल काम पूरा कर देगा, लेकिन उसका डिज़ाइनिंग अगर प्रॉपर नहीं किया तो आप दूर से देख के पहचान सकते हैं कि ये ट्रांसप्लांट है या कुछ अटपटा लग रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो हेयर लाइन डिज़ाइन होता है जो प्रॉपर एम शेपेड बनना चाहिए। हर बाल का प्रॉपर एंगल होता है, कई बार वो 90 डिग्रीज में हो जाता है इसलिए खड़े हुए दिखते हैं। डबल हेयर ग्राफ्ट्स कहाँ लगाने हैं, सिंगल कहाँ लगाने हैं, उसका भी अलग अलग एरियाज और लोकेशन होते हैं। हेयर के डिस्ट्रीब्यूशन कैसा करना है जिससे यूनिफॉर्म दिखे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आर्टिस्टिक स्किल्स में कहीं कमी है, एक्सपीरियंस में कमी है, तो बाल उगने के बाद भी चेहरा खराब दिखता है। डॉक्टर साहब, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं चाहती हूँ कि आप हमें लेकर के चले अपने किसी एक पेशेंट के पास जहाँ की आपने उसको ठीक कर रहे हैं, क्योर कर रहे हैं। बिल्कुल जरूर, आप देख पाएंगे एक पेशेंट हमारे यहाँ है जो ट्रांसप्लांट करके अच्छा रिजल्ट रिविजन में उनको दिया गया। मैं उनकी हिस्ट्री बताता हूँ। मिस्टर राजीव हैं मेरे साथ जो एक बार ट्रांसप्लांट पहले करा चुके थे, उनका फिर मैंने रिवीजन हेयर ट्रांसप्लांट किया था। अराउंड 10 साल पहले उन्होंने FUT टेक्निक से हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। तब 10 साल पहले शायद
जहाँ पे इन्होंने ट्रांसप्लांट कराया वहाँ माइक्रोस्कोपिक डिसेक्शंस वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। तो ऑब्वियसली जब अपन स्ट्रिप टेक्निक करते हैं तो माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट बहुत कंपलसरी होती है, अदरवाइज़ हेयर डैमेज रेट बहुत ज़्यादा होता है। और वही राजीव के साथ हुआ, मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार ग्राफ्ट उन्होंने निकाले पीछे से और आगे लगाने की कोशिश की। मतलब ट्रांसप्लांट के साल भर बाद जितने लगाए थे हेयर उसमें से कितने ग्रो किए होंगे? 10% भी ग्रो नहीं किए। अभी 2 साल पहले आपका फिर से ट्रांसप्लांट किया, वही स्ट्रिप टेक्निक ही। अब उसमें आपने ध्यान शायद देखा हो, मैंने माइक्रोस्कोप्स का यूज़ किया था, मेरी टीम जो थी बहुत ट्रेंड थी, एक एक हेयर को बचा बचा के डिसेक्ट कर रही थी, हम लगाते टाइम भी बहुत ध्यान से लगाए गए। तो जो अपन ने हेयर लगाया उसमें से कितना परसेंटेज रीग्रोथ हुआ, क्या लगता है आपको? तो कहाँ 90% और कहाँ 10%? तो मेजर डिफरेंस जो मैं बोल रहा हूँ वो माइक्रोस्कोपिक डिसेक्शन और एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस टीम का। सर्जरी के टाइम ही मेन प्रिकॉशंस रखने होते हैं सर्जन्स को और उनकी टीम को कि हेयर डैमेज कम हो, रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो FUT में भी डैमेज ज़्यादा हो सकता है अगर एक्सपर्ट ट्रीम नहीं है, प्रॉपर इक्विपमेंटेशन नहीं होते हैं और एक्सपीरियंस नहीं होता, वहाँ पर भी डैमेज रेट बहुत ज़्यादा रहता है। हेयर ट्रांसप्लांट की हर विधि इसी ऑपरेशन थिएटर में पूरी की जाती है। डॉक्टर सुनीत सोनी का मानना है किसी भी तरह की सर्जरी करने से पहले बैक्टीरिया फ्री ऑपरेशन थिएटर का होना अति आवश्यक है। दरअसल पहली बार ऐसा ऑपरेशन थिएटर देखा, इतना बारीकी से यानी इतनी सफाई से काम होता है वो भी मैंने पहली बार देखा। डॉक्टर साहब जब हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप क्या होता है? हेयर ट्रांसप्लांट में सबसे इम्पोर्टेंट है इम्प्लांटेशन का प्रोसीजर, क्योंकि हेयर निकालना और लगाना इसमें तो साइंस इन्वॉल्व है कि निकाल के लगाते टाइम वो ग्रो होना चाहिए, ए ट्रॉमेटिक हैंडलिंग होने चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए। बट वो लगाने का तरीका, एंगल ऑफ हेयर, डायरेक्शन ऑफ हेयर, पैटर्न ऑफ हेयर, जो आर्टिस्टिक तरीका है वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जिसमें स्लिट बनाना होता है। तो वो हमेशा सबसे एक्सपीरियंस सर्जन और सबसे आर्टिस्टिक हैंड से ही होना चाहिए जिससे रिजल्ट सबसे अच्छे मिले। तो इम्प्लांटेशन में जो स्लिट मेकिंग है वो सबसे इम्पॉर्टेंट और आर्टिस्टिक स्टेप है। अननेचुरल लुकिंग हेयर ट्रांसप्लांट का मुख्य कारण आर्टिस्ट्री का न होना होता है। आर्टिस्ट्री के न होने से लगाए गए बाल यानी ट्रांसप्लांटेड हेयर बहुत ही भद्दे और अननेचुरल लगते हैं। इसीलिए डॉक्टर सुनीत सोनी खुद हेयरलाइन डिजाइनिंग और स्लिट मेकिंग की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। देखिए हेयर ट्रांसप्लांट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है वो है ये इम्प्लांटेशन और उनके लिए होल्स बनाना, जिससे हेयर की डायरेक्शन, एंगल, डिज़ाइन, डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड होता है। तो डिसीजन मेकिंग स्टेप है ये, इसी से आपका फेस का लुक आएगा या ख़राब होगा, और ये सबसे ज़्यादा आर्टिस्टिक स्किल रिक्वायर होने वाला स्टेप है। तो अगर कोई एक्सपीरियंस सर्जन नहीं है, एक्सपीरियंस सर्जन के साथ साथ आर्टिस्टिक सर्जन नहीं है, तो इसको बिगाड़ देगा। वो बाल तो उगा देगा लेकिन चेहरा वो नहीं बना पाएगा जो नेचुरल, हैंडसम और अट्रैक्टिव लगना चाहिए। मतलब आपने ये बताया कि एक डॉक्टर को एक आर्टिस्ट भी होने की ज़रूरत होती है यहाँ पे। बट ऑब्वियस कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी को करने के लिए आपको वो इमेजिन करना ज़रूरी है कि आप उसको किस तरह से सुंदर बनाने वाले हैं। अगर वो इमेजिनेशन आपके इसमें नहीं है तो आप उतना अचीव भी नहीं कर पाएंगे। ये आपने वाकई बहुत अच्छी बात बताई है। आप तमाम लोगों से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप भी किसी तरह के फेलियर को फेस कर चुके हैं, आपको लगता है कि आपके बाल आपने लगवाए थे बहुत ही खुशी के साथ, लेकिन आज आप बहुत परेशान हैं कि आप पर वो सूट नहीं कर रहे हैं, उल्टे लग गए हैं या आपकी पर्सनैलिटी ख़राब कर रहे हैं या झड़ चुके हैं फिर से और आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो हमारा वेबसाइट एड्रेस आपके सामने है, उसे नोट कीजिए। फ़ोन नंबर्स भी आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। कॉल कीजिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और आप डॉक्टर साहब को दिखाइए। आप पता कीजिए कि क्या प्रॉब्लम रही है और किस तरह से अब आप अपने इस क्राउनिंग ग्लोरी को अपने लिए ग्लोरी की तरह हमेशा के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। डॉक्टर सोनी, आपने बहुत ही खूबसूरत जानकारियां हमें दी हैं हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर, जो हमारे दिमाग में बातें थी आपने उन सारी बातों को भी क्लियर किया, और अब हम एटलीस्ट इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे ताकि हमें रिविजन की आवश्यकता ना पड़े, हम पहले ही एक सही सर्जन के पास आ जाएंगे ताकि हमारे बाल जो हैं वो सही तरीके से लगाए जा सके। Thank you so much for your guidance. Thank you for coming.